मानहानि के मामले में कोर्ट ने राहुल गांधी को किया विजय घोषित। राहुल गांधी को चुकाए आरएसएस के नेता ने 1000 रुपए का जुर्माना। जश्न में डूबे कांग्रेस के कार्यकर्ता तो भाजपा और आरएसएस में मचा बवाल। जी हां, आपको पता चले कि भिवंडी की प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की अदालत ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी की आरएसएस के नेता राजेश कुंटे को मानहानि के एक मामले की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी को 1000 रुपए का जुर्माना देने का आदेश दिया है। राहुल गांधी के वकील नारायण अय्यर ने बताया कि कुंटे ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान इस केस को स्थगित करने की अपील की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था और उन पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया। इस मामले में अगली सुनवाई 10 मई को होगी। अदालत पहले भी कुंटे पर 500 रुपए का जुर्माना लगा चुकी है, जिसका कुंटे ने अभी तक भुगतान नहीं किया है। कुंटे ने प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की अदालत से कहा था कि वह इस मामले में एक गवाह को पेश करना चाहते, लेकिन इसकी इजाजत नहीं दी गई थी। फिर उन्होंने मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। कुंटे के वकील ने दलील दी थी कि उस मामले में हाई कोर्ट का फैसला अभी नहीं आया है, इसलिए इसकी सुनवाई रोकी जाए। राहुल गांधी ने 2014 में ठाणे के भिवंडी में अपने एक भाषण में महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया था, जिसके बाद राहुल के खिलाफ भिवंडी अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। अदालत ने 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ आरोप तय किए थे। इसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी मजिस्ट्रेट अदालत के सामने पेश हुए थे और खुद को बेकसूर बताया था। भिवंडी के प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की अदालत में इस मामले की सुनवाई 10 मई को होगी। फिलहाल इस खबर को देखकर आप क्या सोचते और समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज डेस्क से हर्षराज की रिपोर्ट।